बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बस्ती जिले के एक युवक की 29 तारीख को हुई मौत के बाद उसके सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि वह और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित था। वहीं उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके संपर्क में आए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, स्टाफ नर्सेज और जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, उन सभी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज द्वारा क्वारंटाइन किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिस एम्बुलेंस चालक द्वारा उसे बस्ती से ले जाया गया, उसका एक सहयोगी भी स्वास्थ्य विभाग के पकड़ में आ गया, उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। एम्बुलेंस चालक से पता लगा कि उसके दो दोस्त भी उसके संपर्क में आए थे, उन दोनों को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन वार्ड में लाकर चारों को भर्ती किया गया। उन चारों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इन चारों का सैंपल बृहस्पतिवार को जाँच के लिए भेजा गया। इसके अलावा मिली गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी मरीज को सांस फूलने की दिक्कत है, वह किसी भी रूप से पीड़ित हो, उसका सैंपल लेना है, उसकी जांच भी की जानी है। इस तरह का एक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है जिसकी सांस फूल रही है और कुछ अन्य बीमारियों से भी वह ग्रसित है, उसका भी सैंपल जाँच के लिए भेजा गया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने 13 सैंपल जाँच के लिए भेजे हैं जिसमें गोरखपुर के 13 सैंपल निगेटिव आए हैं। अभी तक गोरखपुर में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। आज जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट भी अगले दिन तक मिल जाएगी और जब तक स्वास्थ्य विभाग को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक उन्हें क्वारंटाइन वार्ड में रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा। बस्ती जिले का एक मरीज जो बीआरडी में भर्ती था, उसकी मृत्यु 29 तारीख को हो गई थी और उसके सैंपल में कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि वो कई बीमारियों से ग्रसित था। उसके पॉजिटिव आने के बाद हम लोगों ने उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया, जिसमें हमारे जो चिकित्सक कार्य कर रहे थे, बीआरडी के रेजिडेंट्स कर रहे थे, जो स्टाफ नर्सेस थी, जो चतुर्श्रेणी थे, उन सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के द्वारा। और ट्रेस किया गया तो पता लगा कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो उसको लेके गया था और उसका एक सहयोगी, वो भी पकड़ में आ गया, उसको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया। फिर पता लगा कि उसके साथ दो ऐसे लोग और थे जो उस एम्बुलेंस में रहे हैं, रात में साथ में सोए भी हैं उस एम्बुलेंस में, उन दोनों को भी हम लोग ले आए और ये चार लोग हमारे क्वारंटाइन में हैं और आज इनका सैंपल, आज पांचवा दिन भी है, आज इनका सैंपल भेज रहे हैं हम लोग जांच के लिए कि कहीं इनको किसी तरह का कोई संक्रमण तो नहीं हो गया है। इसके अलावा अभी गाइडलाइन के अनुसार ऐसा भी है कि किसी भी मरीज़ जिसे सांस फूल रही है, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो, उसका सैंपल लिया जाना है, टेस्टिंग की जानी है। तो एक हमारे यहाँ मरीज़ भर्ती है जिसकी सांस फूल रही है, कुछ अन्य बीमारियाँ भी उसको हैं, सीओपीडी का भी केस है वो, लेकिन उसका भी सैंपल हम आज भेज रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 13 सैंपल भेजे थे, गोरखपुर के सारे 13 के 13 सैंपल नेगेटिव आए हैं, हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है। और एक हम लोग जो आज भेजेंगे, ये 5 सैंपल्स होंगे, फिर इसकी रिपोर्ट कल तक हमें मिल जाएगी। तो जब तक हमें रिपोर्ट नेगेटिव नहीं मिलती है तब तक हम उन्हें अपने क्वारंटाइन में रखेंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे और अगर पॉजिटिव आ जाती तो भी अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल कॉलेज में मौत होने की पुष्टि होने के बाद विशेष सावधानी बरती जा रही है? मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अब उनके जो इमरजेंसी में डायरेक्टली सारे तरह के मरीज़ आते थे, उसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, एम्बुलेंस में या किसी साधन से जो आ रहे हैं मरीज़, उनको वहीं चेक करके अगर उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, किसी में भी सांस फूलने की शिकायत है, तो उसको सीधे वो कोरोना कोविड-19 वार्ड में ले जा रहे हैं। वहाँ उसका पहले चेकअप होगा, उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उन्होंने वहाँ ICU बेड भी बनाए हैं। उस तरह से
उसका करेंगे, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके अन्य इलाज के लिए, मान लीजिए हार्ट की वजह से है, कॉर पल्मोनेल है, कोई और बीमारी है, तो वो अपने मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कल हम लोग जब गए थे तो बताया था, जिससे कि ये छान के सामने आ जाए कि किसकी सांस बीमारी की वजह से फूल रही है और किसकी सांस कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से फूल रही है।